हेलो गाइस, आपका स्वागत है एक और न्यू शानदार फैक्ट वीडियो में। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज हम उस टॉपिक का ढूंढने वाले हैं जो आजकल के यूथ का सबसे बड़ा क्वेश्चन है, जॉब या बिजनेस। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले देखते हैं जॉब के कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज। अगर आप जॉब चुनते हैं तो पहले उसमें 3 साल की मेहनत लगेगी और उसके बाद जॉब मिल जाएगी, मतलब कि 3 साल तक पढ़ाई करनी पड़ेगी और उसके बाद सक्सेस मिल जाएगी। जॉब में मेहनत ज़्यादा नहीं लगती, इसीलिए इसको हम डालते हैं एडवांटेज में। अगर जॉब चुनी तो डेली 8 से 12 घंटे तक की कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और वो भी बिना रुके। कम पैसों में 8 से 12 घंटे की मेहनत बहुत होती है, इसीलिए इसे मैं डिसएडवांटेज में डालूंगा। तीसरा पॉइंट, अगर जॉब चुनी तो पैसे मिलने की ज़्यादा टेंशन नहीं रहेगी, मतलब कि जो वर्क किया उसके पैसे मिलेंगे या नहीं ये टेंशन जॉब में नहीं रहती। जॉब में 1 महीने के बाद सैलरी मिल ही जाती है, तो ये जॉब का एडवांटेज है। चौथा पॉइंट, जॉब सिलेक्ट की है तो भाई आप जितनी भी मेहनत कर लो लेकिन ग्रोथ कम ही होगी, क्योंकि जॉब में हमें निश्चित पैसा मिलता है और वो भी कम, इसलिए कम पैसों की वजह से आपकी ग्रोथ भी कम ही होगी, इसलिए ये जॉब का डिसएडवांटेज है। अगर हम जॉब करेंगे तो हमें किसी और के अंडर रह के काम करना होगा, बॉस जो हुक्म करेगा उसके हिसाब से काम करना होगा। जॉब में हम ऐसे खुल के आज़ादी से काम नहीं कर सकते, जॉब में हमें बॉस का डर भी बहुत रहेगा, तो इसीलिए इसे हम जॉब का डिसएडवांटेज कहेंगे। मुझे एक बात बताओ, हम आप सब सपने तो देखते ही है, हमारे ज़्यादातर सपने किससे पूरे होते हैं? पैसों से। अगर जॉब की तो पैसे भी कम मिलेंगे, अगर पैसे कम मिलेंगे तो जो सपने देखे हैं वो पूरे नहीं हो सकते, तो इसीलिए इसे भी हम डिसएडवांटेज ही कहेंगे। अगर जॉब चुनी तो कम से कम 50 से 60 साल तक मेहनत करनी पड़ेगी और वो भी दूसरों के लिए। इतनी मेहनत करने के बाद भी आप उतना प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे जितना आपने सोचा होगा, तो इसी वजह से इसे भी हम डिसएडवांटेज ही कहेंगे। जब हम जॉब स्टार्ट करते हैं तो शुरुआत में हमें कम मेहनत में जॉब मिली होती है, लेकिन 40 साल तक काम करने के बाद एक विचार आएगा, कब रिटायरमेंट मिलेगी। यार, ऐसे बोझ के साथ काम करना एक डिसएडवांटेज ही है। तो ये कुछ 8 टॉपिक्स थे जॉब के बारे में, जिसमें 6 टॉपिक डिसएडवांटेज के थे और 2 ही टॉपिक एडवांटेज के थे। तो चलिए अब देखते हैं बिजनेस के कुछ 8 टॉपिक्स, जिसमें से एडवांटेज कितना है और डिसएडवांटेज कितना है। पहला पॉइंट, अगर आपने बिजनेस चुना है तो आपको 5 साल की कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, मतलब की नौकरी के मुकाबले 2 साल ज्यादा। अगर बिजनेस करना है तो टाइम भी बहुत लगता है और मेहनत भी ज्यादा लगती है, तो टाइम और मेहनत के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये डिसएडवांटेज है। दूसरा पॉइंट, अगर बिजनेस चुना तो बड़ा अंपायर खड़ा करना पड़ता है, बड़ी कंपनी बड़ा अंपायर खड़ा करने में बहुत और बहुत सारा स्ट्रगल लगता है, दूसरों से कुछ हटके सोचना पड़ता है, ये सब में टाइम लगेगा, तो इसे हम एडवांटेज तो नहीं कह सकते। तीसरा पॉइंट, अगर एक बार अपनी लाइफ में बिजनेस चुन लिया, ये इतना बड़ा अंपायर खड़ा कर दिया, तो इसके बाद तो पैसा ही पैसा होगा। जितना पैसा आप नौकरी में पूरे साल में कमाते हैं, उतना ही पैसा आप बिजनेस में 1 महीने में कमा सकते हैं, तो ये बिजनेस का एडवांटेज है। बिजनेस में बड़ा अंपायर होने की वजह से आप बहुत सारे पैसे कमाते हैं, इस वजह से आप जो सपने नौकरी में कभी पूरे नहीं कर सकते वो सपने आप बिजनेस में बड़ी आसानी से पूरे कर सकते हैं, इसलिए यह इसका एक एडवांटेज है। बिजनेस में आप बड़ी बड़ी डील करते हैं, बड़े बड़े लोगों से मिलते हैं, आप एक बड़े लेवल का सोचते हैं और ज्यादा पैसा होता है, इसी वजह से हम समय के साथ ग्रोथ करते हैं और इसीलिए ये इसका एक एडवांटेज है। बिजनेस की ये चीज मुझे बहुत ही पसंद है कि भाई जब मन चाहे तब काम करो, हमें पूरी स्वतंत्रता मिलती है, पूरे दिन भी बैठो फिर भी आपका काम नहीं रुकता और पैसे भी कम नहीं होते, तो ये इसका एक बड़ा एडवांटेज है। बिजनेस में किसी का दबाव नहीं, किसी बॉस का डर नहीं, क्योंकि बिजनेस में हम ही बॉस होते हैं, हम अपने एम्प्लॉयर्स को वर्क देते हैं, मतलब कि ऑर्डर देते हैं, इसीलिए ये भी एक एडवांटेज है। अगर बिजनेस चुना तो बड़ा अंपायर होगा, बड़ा बिजनेस होगा, ज्यादा पैसे होंगे, अच्छी लाइफस्टाइल होगी, तो इसी वजह से हमारा पूरा जीवन मजे से जाएगा, तो ये भी इसका एक एडवांटेज ही है। ये जो 8 टॉपिक्स थे जॉब और बिजनेस के बारे में, उसमें से जॉब के 6 डिसएडवांटेज थे और 2 ही एडवांटेज थे, और बिजनेस में 6 एडवांटेज थे और 2 ही डिसएडवांटेज थे। इससे आप अंदाजा तो लगा ही सकते हो कि क्या बेस्ट है, और मेरे हिसाब से भी बिजनेस ही बेस्ट है, लेकिन कुछ ऐसे भी बिजनेस होते हैं जिसमें पहले एक्सपीरियंस होना जरूरी है, इसलिए जॉब करनी भी पड़ती है, लेकिन लाइफ टाइम के लिए तो बिजनेस ही बेस्ट उपाय है। अगर आप अपनी यूजफुल चीजें कम पैसों में और ज्यादा डिस्काउंट में खरीदना चाहते हो, प्लीज नीचे दिए गए लिंक को जरूर चेकआउट करना। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और इस वीडियो से कुछ भी जानकारी मिली तो वीडियो को 1 लाइक कर देना, और ऐसे ही अमेजिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी